लगभग 27 वर्ष पहले वजीर फिल्म का आइडिया विधु विनोद चोपड़ा को आया था और अब जाकर यह आइडिया फिल्म का रूप ले पाया है। यह एक थ्रिलर मूवी है जिसे शतरंज के खेल से जोड़ा गया है। रियल लाइफ में शतरंज के खेल की तरह बिसात बिछाई जाती है और एक अदना सा प्यादा ताकतवर बादशाह को मात देता है। कहानी है एटीएस ऑफिसर दानिश और पंडित ओंकारनाथ धर की, जो स्वभाव, उम्र और मिजाज में एक दूसरे से बिल्कुल जुदा हैं। दानिश के साथ एक भयावह दुर्घटना होती है और वह टूट जाता है। उसे सस्पेंड भी कर दिया जाता है। व्हीलचेयर पर बैठे पंडित ओंकारनाथ भी कुछ इसी तरह के दर्द से गुजर रहे हैं और यही दर्द उनके बीच की कड़ी बनता है। ओंकारनाथ के दर्द की वजह है येजाद कुरेशी, जिसके खिलाफ ओंकारनाथ के पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन वह जानता है कि येजाद अपराधी है। दूसरी ओर दानिश एक काबिल पति, एक काबिल पिता के रूप में अपने आप को असफल मानता है और एक काबिल दोस्त बनने के चक्कर में ओंकारनाथ की मदद करता है। फिल्म की शुरुआत एक बेहतरीन गाने से होती है जो सीधे किरदारों को आपसे जोड़ती है। शुरुआती 15 मिनट काफी हलचल भरे हैं और पहले हाफ में फिल्म आपको बांध कर रखती है। फिल्म बिखरती है दूसरे हाफ में, क्योंकि आगे क्या होने वाला है इसका अनुमान आप पहले से ही लगा लेते हैं। साथ ही जिस तरह से रहस्य पर से पर्दे हटाए गए हैं वो गले नहीं उतरते। वजीर की कमजोरी ये है कि यह रियलिटी के करीब होने का दावा करती है, लेकिन ओंकारनाथ और दानिश की हरकतें वास्तविकता से दूर लगती हैं। मसलन एक बड़े नेता का फोन टेप करना क्या एक सस्पेंड एटीएस ऑफिसर के लिए संभव है? कैसे एक विकलांग व्यक्ति विस्फोटक सामग्री जुटा लेता है? कैसे आप एक आदमी की आंखों में देख ये पता लगा लेते हैं कि वही अपराधी है? ओंकारनाथ पर दानिश आंख मूंद कर कैसे विश्वास कर लेता है? कहानी तब मजबूत होती जब येजाद के खिलाफ ओंकारनाथ के हाथ कुछ सबूत लगते और जिसके आधार पर दानिश उसकी मदद करता। लेखकों ने लॉजिक और कॉमन सेंस को दरकिनार रखते हुए अपनी सहूलियत के हिसाब से स्क्रिप्ट लिखी है। लेखकों की कमी को बहुत हद तक निर्देशक बिजॉय नाम्बियार संभाल लेते हैं। उन्होंने यहाँ अपनी तकनीकी जादूगरी कम दिखाई है और उनका प्रस्तुतिकरण इस तरह का है कि आप फिल्म से बंधे रहते हैं। दो और अच्छी बातें हैं। एक तो फिल्म की अवधि बहुत ही कम है, लगभग 100 मिनट में फिल्म खत्म हो जाती है, जिससे फिल्म चुस्त लगती है। दूसरा, इसके मुख्य कलाकारों का बेहतरीन अभिनय। अमिताभ बच्चन जबरदस्त फॉर्म में है, अपना किरदार इतने मजे लेते हुए निभाया है कि आप फिल्म की खामियां भूल जाते हैं। उनको बेहतरीन संवाद भी मिले हैं और उनकी संवाद अदायगी तारीफ के काबिल है। फरहान अख्तर ने भी साथ अच्छे से निभाया है। यह फिल्म तभी अच्छी लगेगी जब बहुत ज्यादा उम्मीद लेकर न जाया जाए। इस फिल्म को मैं 5 में से 2.5 स्टार देता हूँ।